हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज नमोकॉल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का नंबर वन आईआईटी जेई का चैनल दैट इज अनअकैडमी जेई। आपको बताना चाहता हूँ खाली 3.5% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इस जेई के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अभी 3.5% बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि यार ये टॉपिक बहुत ईजी है। हम हमेशा बोलते हैं यार ग्रेविटेशन से मुश्किल सवाल आ ही नहीं सकता। ट्रस्ट मी, ये सवाल भी मुश्किल नहीं था बट ये थोड़ा ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल है तो काफी सारे बच्चों ने उसको देख के छोड़ दिया। ट्रस्ट मी, इसका बहुत अमेजिंग सोल्यूशन मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि जो लाइक करता है, जो सब्सक्राइब करता है, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। और इस सीरीज को फॉलो करने से अगर आप लेट्स से ग्रेविटेशन का सबसे मुश्किल सवाल कर लेंगे तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप कोई भी ग्रेविटेशन का सवाल देखेंगे हेंस फोर्थ। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। दिस इज दैट क्वेश्चन, इट केम इन जेई एडवांस 2022 वेरी रिसेंटली। यार यहाँ पे दो स्टार्स दे रखे हैं, स्टार या प्लैनेट जो भी बोलो, स्फेरिकल है बेसिकली। ये एक प्लैनेट ए है, ये प्लैनेट बी है, स्टार बोलो प्लैनेट बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यार बोथ हैव द सेम रेडियस, बनाया भी मैंने कुछ ऐसे कि दोनों का रेडियस आपको सेम दिखेगा। चलो मार्क भी कर देते हैं थोड़ी यार, विजिबिलिटी बढ़ाते हैं अपनी, है ना। इसका रेडियस है आपका कैपिटल आर, इसका रेडियस है आपका कैपिटल आर, है ना, ठीक है। सो दोनों का रेडियस हमने आर और आर मार्क कर दिया, ये आर आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको हम थोड़ा और ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपको दिख रहे हैं ये दोनों प्लैनेट्स। अब ऑब्वियसली बात है, ये ना थोड़ा सा भारी है, ये थोड़ा सा भारी है, ये थोड़ा सा हल्का है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको ना डेंस कलर दिया है, ठीक है, कि आपकी विजिबिलिटी बढ़े। मैं बताना चाहता हूँ यार मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा बदला भी है लैंग्वेज में, जैसे एक को एम्परसेंड और ये कलर्स डाले हैं कि यार तुम लोगों की रीडेबिलिटी बढ़े। पहले तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, है ना। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस वही अंग्रेजी में बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। अब इसमें क्या दे रखा है कि कुछ इंटरेक्शन होता है, कभी कभी मान लिया करो कि कुछ प्लैनेट्स में गैसेस भी होती है ना। अब ये पास आया है मास पुल्स मास के चक्कर में, मास पुल्स मास के चक्कर में इसका ये एक लेयर इसके ऊपर चला जाता है ना, ये वाला जो लेयर है ना, ये वाला लेयर इसके ऊपर चला जाता है। मान लो गैस का लेयर है जो भी है, ठीक है, ये इसके ऊपर चला गया, है ना, थोड़ा सा लूज है, ये इसके ऊपर चला गया और अल्टीमेटली कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अल्टीमेटली कुछ ऐसा हो जाता है। अब ऑब्वियसली बात है ना, ये थोड़ा बड़ा शेल होगा तो ये थोड़ा पतला इसके ऊपर कोटिंग कर देगा, ठीक है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन इसी के बारे में बात कर रहा है। ड्यू टू एन इंटरेक्शन प्रोसेस स्टार ए लूजेस सम ऑफ इट्स मास एंड दैट गोज टू दिस प्लेस, ठीक है। तो बट यार अब इसमें बात करते हैं, दोनों का रेडियस सेम था बट दोनों की डेंसिटी अलग अलग गिवन थी, दोनों की डेंसिटी अलग अलग गिवन थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस डेंसिटी को ले लेते हैं रो बी और इस डेंसिटी को ले लेते हैं हम अपन रो ए, ठीक है, रो ए एंड रो बी। चलो अब यार इसका जो मास है बेटा, इसका जो मास है, इसका मास है एम बी, इसका मास है एम ए, ठीक है। अब यार मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि यार इट इज बेस्ट, देखो मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कम से कम वेरिएबल रखना बहुत अच्छी पॉलिसी होती है। तो अगर आप यार वहां से ध्यान से देखें, व्हाट इज एम ए अपॉन एम बी, जल्दी से देखिए एम ए अपॉन एम बी क्या रेशियो है, जल्दी से देखिए एम ए अपॉन एम बी हो जाएगा आपका 2:1। क्या सबको ये दिख रहा है? 2:1, ठीक है, नहीं 1:2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1:2 है, ठीक है, 1:2 कर देते हैं ना, बिकॉज आपको समझ में आ गया 2 MA से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो कम से कम वेरिएबल के चक्कर में आप क्या करोगे, इसको 1 M मान लो, इसको 2 M मान लो, चलो साथ साथ लिखते भी रहो, ये हल्का वाला इसीलिए देखो ऐसे लिया था। तो इसका मास कितना हो गया? इसका मास हो गया m, इसका मास कितना हो गया? इसका मास हो गया 2 M, ठीक है। रेडियस दोनों का r r है, अभी इंटरेक्शन नहीं कराया, इंटरेक्शन कराने के बाद क्या होगा, इंटरेक्शन कराने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद जब ये चेंज होता है उसके बाद ये पूछ रहा है कि यार इससे एस्केप वेलोसिटी का रेशियो और मतलब इससे एस्केप वेलोसिटी अपॉन इससे एस्केप वेलोसिटी का रेशियो ऐसा कुछ दे रखा है, वी बी बाय वी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को वो बच्चा टच नहीं करेगा जिसको एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं आता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नॉर्मल स्फीयर ऑफ मास एम रेडियस आर का एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2gr, है ना, जी इज द ग्रेविटी ऑन द सर्फेस, या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो 2GM/R, ठीक है, क्योंकि G होता है GM/R², GM/R², ठीक है ना। ये दोनों एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले होते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को टच ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू नो दिस, है ना, तो पहली चीज। चलो अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब यार आपने ये सारी चीजें लिख दी हैं, अब एक और काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको पता है। तो यार आपको यार ये भी समझ में आ गया इन दोनों का वॉल्यूम क्या है, इन दोनों का वॉल्यूम तो वी और वी ही है, अभी इन दोनों का वॉल्यूम वी और वी ही है, तो क्या आप इनके डेंसिटीज का भी रेशियो निकाल सकते हो? आप इनके डेंसिटी का भी रेशियो निकाल सकते हो? जल्दी से बताओ मास क्या होता है बेटा, है ना। अगर मुझे कोई बोले डेंसिटी निकालो, डेंसिटी रो ए बाय रो बी, ठीक है, रो ए बाय रो बी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम से आता ही है, ठीक है। तो दोनों का मास लिखते हैं, चलो इसका मास कितना है बच्चे, है ना, इसका मास है एम और इसका मास है 2 M, ठीक है, इसका मास है 2 M, इसकी दोनों की वॉल्यूम तो सेम ही है, दोनों की वॉल्यूम तो सेम ही है, तो यार डेंसिटीज का रेशियो भी आपको मिल गया क्योंकि रेडियस सेम है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है, ये सारी बातें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं, ठीक है।
तो यार ये क्या आ रहा है, जल्दी से देखिए, ये आ रहा है 1:2। तो डेंसिटीज का रेशियो भी अपन ले लेंगे, एक ही वेरिएबल कर रहे हैं बच्चों, हम एक ही वेरिएबल कर रहे हैं। देखो ये लेस डेंस कलर लिया था तो ये रो हो गया और ये 2 रो हो गया। ये सारी चीजें हमें हेल्प ही करेंगी और कुछ नहीं करेंगी, हेल्प ही करेंगी इन फाइंडिंग दिस फाइनली। बहुत अच्छा है। अब पता है अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन की, अच्छी नहीं रादर बोलना चाहिए, गंदी बात इसकी ये है कि n की वैल्यू ना इंटीजर नहीं आती है। उसके चक्कर में भी आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा या छोड़ दिया होगा या यू नो शक किया होगा, अल्टीमेटली वैल्यू डाली नहीं होगी या सोचा होगा अरे यार अगर वैल्यू ना लेट्स से 7.2 आ रही है तो 8 डाल दूं या 7 डाल दूं, समथिंग लाइक दैट, है ना। उनको लग रहा होगा इंटीग्रल वैल्यू नहीं आती है इसमें, एन की वैल्यू समथिंग पॉइंट समथिंग आती है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो अब इस क्वेश्चन में आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव नोन। तो बट सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, कि जो नई वाली चीजें हैं, अब देखो फाइनली जो क्वेश्चन बनेगा इससे जो एस्केप वेलोसिटी है, ध्यान से देखो, ये नया वाला ए है, ठीक है, ये नया वाला ए है और ये नया वाला बी है, ठीक है, ये ए भी ऐसे लिखा था, ये ए था ये बी था, ठीक है, तो ये नया वाला ए है, ये नया वाला बी है इंटरेक्शन के बाद जब इसकी परत इस पे आ गई थी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसका नया रेडियस निकालना बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगा बच्चों, है ना, इसका नया वाला रेडियस। अब मैं बताता हूँ आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है, आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। पहले इसका नया वाला रेडियस अपन निकाल लेंगे, मैं आपको गेम प्लान बता देता हूँ। और इसका जो नया वाला रेडियस है बच्चों, इसको अपन बोल देते हैं ये R/2, ये दे रखा है बेटा, ये दे रखा है कि आधा हो जाता है। ध्यान से देखिए, इसमें दे रखा है कि ये शेल आधा हो जाता है, तो यार आपने इसको पहले से लिख दिया R/2। चलो बट लेट्स मेंटेन सैंक्टिटी ऑफ राइटिंग कि ये 1 or 2, ए और बी 1 or 2 हो चुके हैं। तो आपको यार यहाँ पे ये ऑलरेडी पता है कि R1 आपका R/2 हो जाता है, ठीक है, और आपको यार यहाँ पे R2 निकालना पड़ेगा इससे, है ना, थोड़ा सा मैथ्स लगाएंगे और R2 निकालेंगे। चलो R1 आपने निकाल लिया, अब मास क्या होगा बेटा। अब बेटा इसमें ना प्लीज थोड़ा सा स्मार्ट बनना सीखो, एडवांस में थोड़ा सा स्मार्ट बनना सीखो, इसका मास कितना होगा। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों के एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले के लिए मैं ये लगाना चाहता हूँ, वेलोसिटी ऑफ एस्केप के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा 2gm/r, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये वाला फॉर्मूला लगा दे, बट यार ये तो एक यूनिफॉर्म, ये एक यूनिफॉर्म मास नहीं है यार, यहाँ से तो आप लगा सकते हो √2gm/r। बट आपको बताना चाहता हूँ आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि यार ये फॉर्मूला आप इसलिए लगा सकते हो क्योंकि अगर एक शेल की बात करें अपन, है ना, खाली एक शेल है ना, इसका मास m और रेडियस r है, इसकी भी ग्रेविटी है ना, अगर ये मास अगर अर्थ को मैं हॉलो कर देता बट मास अर्थ का सेम रहता तो इसकी भी ग्रेविटी 9.8 ही रहती है, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ग्रेविटी की वैल्यू अभी भी 9.8 ही रहती है। तो यार इन दैट केस मैं खाली यार ये लिख सकता हूँ इसके लिए भी √g टोटल मास अपॉन टोटल रेडियस, ये कर सकता हूँ क्योंकि ये भी बहुत सारे शेल्स हैं बेटा, ये भी बहुत सारे ऐसे ऐसे शेल्स हैं, इनके लिए मैं वो फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो यार ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है। तो यार अब आपको ये बात पता है कि अगर मैं m1 और r1 निकाल दूंगा तो मैं बहुत आसानी से उसको रिलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यार यहाँ पे मैं m2 भी निकालूंगा, ठीक है, ये निकालना ज्यादा सिंपल रहेगा, m1 और m2 निकालना बहुत ज्यादा सिंपल रहेगा। अब मैं बताता हूँ m1 और m2 निकालेंगे कैसे, सुनना मेरी बात ध्यान से, m1 और m2 निकालेंगे कैसे। इसका मास कितना था बेटा, इसका मास कितना था m था। इसका आपने R/2 निकाल लिया तो मुझे जल्दी से बताओ इसकी वॉल्यूम b से V/8 हो जाएगी क्या, इसका रेडियस आधा करने पे वॉल्यूम है ना 4/3πr³, है ना। तो यार रेडियस अगर आधा कर दिया तो वॉल्यूम 1/8 हो जाएगी, मास 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो यार इसको डायरेक्टली लिखो, ये m/8 होगा, है ना, ये पहले m था अब ये m/8 हो जाएगा, और ऑब्वियस ही बात है यही m/8 यहाँ पे आके बैठ गया। ध्यान से देखो, इसका मास भी आप लिख सकते हो, इसका मास क्या था बेटा, इसका मास था 2m, और यार यहाँ पे ये m/8 आके बैठ गया, है ना, ये जो रिमेनिंग, सॉरी m/8 नहीं 7m/8, ठीक है, वहां पे m/8 बचा है, कितना निकला था 7m/8। तो यार यहाँ पे आपका कितना पहुंच गया 7m/8, ठीक है, तो इसका भी मास आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो यार यहाँ पे m/8 रह गया और ये जो उड़ के गया 7m/8 वो यहाँ पे आके बैठ गया। अब बहुत मजा आएगा, अब इसका पूरा मास लिख दो सबसे पहले। तो इसका पूरा मास अगर हम लिखेंगे तो देखो क्या आ रहा है, 2m + 7m/8, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 8 करोगे तो देखो क्या आता है, 16 + 7 बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, 16 + 7 23/8, है ना, बहुत ही बढ़िया, ये हो गया 23/8, बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन बच्चों, बहुत ऑसम तरीके से जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो अब इनके मासेस का रेशियो हो गया 23:1, ठीक है, बट इसका रेडियस, असली खेल इसका रेडियस निकालने का है, ठीक है, ये जो गंदा सा 15 15 रेस टू दी पार 1/3 आ रहा है, ये रेडियस के चक्कर में आ रहा है, ठीक है ना।
तो आई होप आपको क्वेश्चन का जिस्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन का जिस्ट समझ में आ गया। अल्टीमेट आपका आंसर कैसे आएगा वो भी लिख देता हूं। अल्टीमेट आपका आंसर कैसे आएगा है ना, वी बी बाई वी ए, एक तरीके से हमने बी को रीनेम कर दिया, बी चेंज हो गया, ए भी चेंज हो गया, पहले बी और ए ऐसे थे, हमें वी टू बाई वी वन निकालना है। तो बेटा वी टू बाई वी वन कैसे निकलेगा एक बार देख लेते हैं। अल्टीमेट आंसर होगा, अल्टीमेट आंसर होगा है ना वी टू बाई वी वन एक तरीके से, ठीक है। तो वो आ जाएगा, ध्यान से देखो यार, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ टू जी एम वन, अंडर रूट ऑफ टू जी एम टू, सॉरी एम टू अपॉन आर टू अपॉन अंडर रूट ऑफ टू जी एम वन अपॉन आर वन। हाँ मैं जानता हूँ ट्रांजैक्शंस बहुत सारे थे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए इसमें, बट इसमें कुछ भी एडवांस नहीं था, बस यार ये फॉर्मूला इसके लिए भी लगा सकते हो, ये एक मेन चीज थी इसकी। तो यार अब जल्दी से देखते हैं है ना, एवरीवन जल्दी से देखते हैं। इसमें यार देखो दो झुमके गिर चुके हैं यहाँ पे, 2G और 2G, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, आपको पता है यार m1 बाय m2 आपको पता है वो आ जाएगा, बट आपको ये रेडियस निकालना है, अल्टीमेटली ये रेडियस निकालना है। और ये मैथ्स का सवाल है, मैथ्स का सवाल है। देखो अगर मैं इसका r बाय 2 वाला हिस्सा यहाँ पे आके चिपका देता हूँ तो इसका नया रेडियस क्या होगा, r से ज्यादा होगा। अब वही करना है, अब वही करना है, अब ध्यान से सुनना, अब वही करना है। अब यार इसको करने में मेरी मदद करना बच्चों, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार ये हटा के, ठीक है, जब आप इस पे डालते हैं, ये जब आप इस पे डालते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो एवरीवन ध्यान से लिखते रहो, इसका वॉल्यूम कितना था, इसका वॉल्यूम था वी, ठीक है। बचा इसमें कितना, यहाँ पे वी बाय 8 बचा, क्योंकि आपको पता है रेडियस आधा कर देते हैं तो वॉल्यूम वी से वी बाय 8 हो जाता है। तो यार ये वाला, ये जो ऑरेंज वाला वॉल्यूम है, ऑरेंज कलर से अपन ने किया, ये ऑरेंज वाला वॉल्यूम कितना हो गया, ऑरेंज वाला वॉल्यूम हो जाएगा 7V/8 है ना, 7V/8। तो यार यहाँ पे जो वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7V/8, ठीक है। अब नया रेडियस निकालो, जल्दी से, जल्दी से इसका नया रेडियस निकालो, इसका नया रेडियस निकालना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। ये नया वाला रेडियस है और इसको अपन क्या लिख रहे थे, इसको अपन R2 लिख रहे थे है ना, ठीक है। इस नए वाले रेडियस को निकालते हैं, ठीक है। तो इस नए वाले रेडियस को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें पता है वॉल्यूम क्या थी, दोनों की वॉल्यूम क्या थी, 4/3 पाई, क्योंकि दोनों का रेडियस R था है ना, ये था एवरीथिंग, वी इज दिस। नया वॉल्यूम कितना हो गया, जल्दी से बताओ नया वॉल्यूम कितना हो गया, न्यू वॉल्यूम जल्दी से लिखिए बच्चे, न्यू वॉल्यूम, व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम, इसको जोड़ने के बाद नई वॉल्यूम कितनी हो गई, v प्लस 7V/8, क्या ये 15V/8 हो गया, क्या ये 15V/8 हो गया। जब मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो 15V/8 होगा ना, इसीलिए देखो यार यहाँ पे 15^1/3 ऐसा कुछ आता है गंदा सा, ठीक है, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, नया रेडियस निकालने के लिए 15V/8 इज इक्वल्स टू 4/3 πr²³। एग्जैक्टली आप ऐसा लिखोगे, ठीक है। बट आपको पता है यार v क्या था, आपको पता है v ये था, ठीक है। तो थोड़ा सा हिसाब किताब कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हिसाब किताब कर लेते हैं। 4/3 πr³ इज इक्वल्स टू 4/3 πr², ठीक है। यहां से आपका r2 आ जाएगा और अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गॉन, ठीक है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3 और 1, 2, 3। अब ध्यान से देखो, इसमें सबसे मुश्किल पार्ट यही था कि 8 का ³ रूट, ये बहुत मुश्किल सवाल है, MIT के ग्रेजुएट्स इसको सॉल्व नहीं कर पाए, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इट विल बी 2, ठीक है। कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा मजाक चलता है यार, ठीक है, समझो है ना। अब एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट दिस, व्हाट इज दिस, R2 इज इक्वल्स टू R, और यार यहाँ पे आ जाएगा 15, एवरीवन ध्यान से देखो, 15 का ³ रूट अपॉन 2, शायद यही आ रहा है, एक बार कंफर्म कर लो सब लोग है ना, ये आ रहा है, ये R2 आ रहा है, और अब आपका आंसर भी इसी से आएगा है ना, आपका आंसर भी इसी से आएगा। अब अगले पेज पे चलते हैं, 15 का ³ रूट बाय 2, इसको लिख देते हैं 15 का ³ रूट बाय 2 R, ये गंदी सी वैल्यू डालनी है और उससे ही आंसर आएगा अल्टीमेटली, देखते हैं n की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। अब आएगा आंसर निकालने का असली मजा, अब आएगा आंसर निकालने का असली मजा। तो एवरीवन जल्दी से देखो है ना, अब मैं यहाँ पे हाथ गंदे करने पड़ेंगे, यहाँ पे हाथ गंदे करने पड़ेंगे। M2 क्या है, लिखते हैं 23m/8, ठीक है। ये देखो R2 को लिखते हैं, R2 कितना हो जाएगा, 15 की ³ रूट R, और ये 2 ऊपर भेज दो, चलो बहुत बढ़िया। हाँ यहाँ तक हमारी व्यवस्था बिल्कुल सही थी है ना। और यार यहाँ M1 कितना हो जाएगा, M1 हो जाएगा m/8, ठीक है, m/8, और यार ये हो जाएगा r/2, चलो माई गॉड। अब देखते हैं m2 8r, अरे यार ये तो पूरा भस्म हो गया, ठीक है। तो यार ये अल्टीमेटली कितना आया, ये अल्टीमेटली आया 23
अपॉन 15 की पावर 1/3। आई थिंक इससे ज्यादा सिंपल इसका सोल्यूशन हो सकता है या नहीं, मुझे कॉमेंट्स में बताना। और यार ये दे रखा है इक्वल टू, है ना, प्रॉब्लम में ये दे रखा है इक्वल टू 10n अपॉन, है ना, ये चीज दे रखी है 10n अपॉन 15 1/3। तो बेटा आपको क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना था। इन दोनों को कंपेयर करने पे आपका आंसर आता है 2.3। इसका करेक्ट आंसर है 2.3। द करेक्ट आंसर वॉज 2.3। आई होप आपको ग्रेविटेशन का वो प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिला जो कितने सारे बच्चों ने छोड़ दिया था। बट यार उसका कारण ये भी था कि 2022 में बहुत मुश्किल माना जा रहा था फिजिक्स के पेपर को, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना गया था फिजिक्स के पेपर को 2022 में एडवांस में। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, इससे आई होप आप कुछ सीखे। इसमें आपने सीखा मैथ्स को कैसे हैंडल करते हैं, है ना, क्वेश्चन को समझते कैसे हैं, रीडेबल कैसे बनाते हैं, आई होप आपने ये सारी चीजें सीखी। तो यार देखो नमो सर का स्टेटमेंट अभी भी ट्रू है ना, कि यार ग्रेविटेशन बहुत ही मतलब चिंदी टॉपिक है, इसे ये मुश्किल सवाल दे ही नहीं सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन हम मुश्किल नहीं मानते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं कि तुम लोग करो, इसका काफी अच्छा लेवल है, ये कभी जे एडवांस में आया नहीं है, बट इसके आसपास दिखने वाले सवाल जरूर आए हैं। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। अब इसको खुद ही पढ़ना, मैं तुम्हारे लिए स्नैपशॉट छोड़ूंगा, कमेंट्स में इसका आंसर अगर तुम दे सकते हो ABCD में से तो दे के बताना, इट इज रियली ऑसम। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इट इज अनगूगलेबल, यू विल नॉट फाइंड दिस क्वेश्चन ऑन गूगल, है ना, एंड विद द राइट आंसर्स। ठीक है, जल्दी से इसको देखना और सॉल्व करना, एक ब्रिलियंट बच्चा इसको जरूर सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, लुक एट द क्वेश्चन वंस अगेन, दैट्स अबाउट इट। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ग्रेविटेशन को सच में इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो तो संभव सीरीज के लिए वेट करो, है ना, 2024 के लिए चल रही है, नहीं तो सारा कंटेंट फ्री में, सारा कंटेंट ऑलरेडी पढ़ा है आपके लिए tinyurl.com/playje, तो यू कैन रेफर दिस एनी टाइम, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। उसके अलावा बताना चाहता हूँ यार, टीम उड़ान की खासियत क्या है, बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करना, दो ऑल इंडिया रैंक वन जेई मेन में भी, जेई एडवांस में भी, और यार ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि इतना बड़ा रेवोल्यूशन इन रैंक्स लाया गया। उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये वो बैचेस हैं, अब प्लीज ध्यान से सुनना, ये वो बैचेस हैं जहाँ पे इंटरेक्शन होता है, ये बैंकर्स बैच वाले बैचेस नहीं है। 1,000, 2,000, 3,000 वो तो हमने आपके लिए फ्री में रख दिया बेटा यहाँ पे, इट इज एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसीलिए इंडिया का नंबर वन चैनल है। बट ये वो बैचेस हैं जो आप, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब प्लीज इसको ध्यान से देखना, अगर आपको एक साल में 11th पढ़नी है तो यलगार बैच, एक साल में 12th पढ़नी है मतलब जो आपके इंस्टीट्यूट्स में भी होता है, है ना, तो इंडिया की नंबर वन टीम के साथ, उसके लिए योद्धा बैच है, उड़ान ड्रॉपर बैच है, 11th और 12th दोनों जिसको पढ़नी है जो ड्रॉपर है, है ना, ये बेस्ट बैच है। स्पेशली अगर आप जेई 2024 में अगर आपका 11th भी वेस्ट हुआ है तो आप एक काम करो, इस बैच का पार्ट बन जाओ। ठीक है, नहीं तो अगेन अगर आप अर्ली स्टार्टर हो, 9th और 10th वाले बच्चे यलगार बैच में आएंगे, क्योंकि 9th 10th से भी निपुण और देशांक ने यहां से स्टार्ट किया था। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते तो उड़ान कोड यूज कर लेना, तो आपको ये वाले बैचेस का भी प्रीमियम एक्सेस मिल जाएगा। और अभी तो फ्रीडम फेस्टिवल चल रहा है, तो आई थिंक दिस इज दी बेस्ट टाइम टू टेक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन या वन ऑफ दीज बैचेस यूजिंग द लिंक्स। ये सारे लिंक्स बेटा आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज लुक एट द डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली एंड इंश्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ आर बैचेस, जहां पे आप इंटरेक्ट करके हमसे पढ़ सकते हो, है ना। अगर आपको ये प्रदर्शन अच्छा लगा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आपको आई थिंक इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस लेवल की पढ़ाई यहाँ पे हो रही है। थैंक यू सो मच बच्चों, आप हो तो हम है और हम है तो क्या गम है। लेट्स क्रैक इट, लव यू ऑल, बाय बाय।